विद्यार्थी मित्रों और मेरे साथी शिक्षक मित्रों, सभी को मेरा नमस्कार। हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड के इस प्रेजेंटेशन लेक्चर में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। देखिए, आज का जो हमारा विषय है, जो हमारा लेक्चर है, इसका अगर हम ऑब्जेक्टिव देखें, ऑब्जेक्टिव क्या है, तो देखिए, पहला जो ऑब्जेक्टिव है, डिस्क्राइब द लोकेशन एंड रिलेशनशिप बिटवीन हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड। हमारे शरीर में हाइपोथैलेमस कहाँ पे है, पिट्यूटरी जो ग्लैंड है वो कहाँ पे है, और इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड, वो रिलेशनशिप क्या है, उसके बारे में आज हम डिस्कस कर रहे हैं। शुरुआत करते हैं। देखिए, यहाँ पे जो लिखा है, ये जो पॉइंट है, फॉर मैनी ईयर्स द पिट्यूटरी, देखिए इसका जो, बहुत बार हम पिट्यूटरी ग्लैंड ऐसा बोलते हैं, लेकिन इसका जो प्रॉपर जो प्रोनाउंसिएशन है वो है पिट्यूटरी, पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, ऐसे हमको इसको प्रोनाउंस करना है। तो बहुत सालों तक जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, जिसका दूसरा जो नाम है वो देखिए, हाइपोफाइसिस के बदले हाइपोफ आइसिस, ठीक है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड या तो हाइपोफाइसिस, उसको, ये जो ग्लैंड है पिट्यूटरी या तो हाइपोफाइसिस, इसको बहुत सालों तक हम मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड के नाम से हम इसको जानते थे, क्योंकि ये जो पिट्यूटरी जो ग्लैंड है वो सीक्रेट सेवरल हार्मोन, कुछ जो हार्मोन्स हैं उनका सीक्रेशन करती थी, ठीक है। और पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो जो हार्मोन सीक्रेट करती थी, वो हार्मोन क्या करते हैं, कंट्रोल अदर एंडोक्राइन ग्लैंड, दूसरी जो एंडोक्राइन ग्लैंड है उनका नियंत्रण, उनका कंट्रोल करते हैं। अच्छा, अभी वी नाउ नो दैट द पिट्यूटरी ग्लैंड इटसेल्फ हैज अ मास्टर द हाइपोथैलेमस। देखिए, कहने का मतलब क्या है कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उसके जो हार्मोन जो रिलीज होते हैं, उसकी असर से, उसके इफ़ेक्ट से दूसरे जो एंडोक्राइन ग्लैंड है वो अपने सिक्रेशन करते हैं हार्मोन्स के, लेकिन जो पिट्यूटरी जो ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड अपने हार्मोन का सिक्रेशन क्यों करती है, तो वो करती है हाइपोथैलेमस जो है उसके जो हार्मोन है उनकी असर के नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड अपने हार्मोन रिलीज करती है, ठीक है। तो इसी वजह से पिट्यूटरी जो ग्लैंड है उसका जो मास्टर है वो है हाइपोथैलेमस। अब फिगर जो है, इसमें मैं आपको हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी दोनों मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये जो फिगर जो है, जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे तो थैलेमस लिखा है, ठीक है, तो ऊपर वाला जो पार्ट है वो सभी ब्रेन का पार्ट है, जो भी आप देख रहे हैं यहाँ पे, जितने भी नाम देख रहे हैं ये सारे ब्रेन के पार्ट हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे, देखिए लिखा है हाइपोथैलेमिक एरिया ये, और यहाँ पे आप देखेंगे नीचे जो दिखा रहे हैं ये है पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। और ये पूरा जो इन्फॉर्मेशन है फिगर के बारे में, ये आप जो है इसको, ये इन्फॉर्मेशन को पढ़ सकते हैं, आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन भी पढ़ना ज़रूरी है, नीचे वाला फिगर 26.3, ठीक है, हम तो बात करेंगे ही इसकी। चलिए, तो ये जो था हमारे आज का डिस्कशन का पहला पॉइंट था। दूसरा जो पॉइंट है उस पे आते हैं। देखिए, अभी देखिए, अब हम हाइपोथैलेमस जो है उसका जो लोकेशन है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो स्मॉल रीजन ऑफ द ब्रेन बिलो द थैलेमस, ब्रेन का जो थैलेमस है उसके नीचे वाला एक छोटा जो विस्तार है वो मेजर लिंक बिटवीन द नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम। कहने का मतलब हाइपोथैलेमस जो है एक बहुत बड़ी लिंक है, किसके बीच में, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के बीच में। और ये हाइपोथैलेमस कहाँ पे होता है, तो थैलेमस के, आप देखेंगे ये जो है
यहाँ पे थैलेमस है और उसके नीचे की ओर आप देख रहे हैं यहाँ पे जो लिखा है हाइपोथैलेमिक एरिया, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस जो है भले ही वो कद में छोटा विस्तार है लेकिन वो नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के बीच में एक बहुत बड़ी लिंक है। अच्छा, हाइपोथैलेमस के जो सेल हैं सिंथेसाइज एटलीस्ट 9 डिफरेंट हॉर्मोन्स। हाइपोथैलेमस के जो सेल हैं वो 9 हॉर्मोन्स का निर्माण करते हैं और पिट्यूटरी ग्लैंड जो है सीक्रेट्स 7। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो 7 हॉर्मोन जो हैं अंतस्राव उनका स्राव करती है, उनका सीक्रेशन करती है। अच्छा, तो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के जो हॉर्मोन्स हैं प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ वर्चुअली ऑल एस्पेक्ट ऑफ ग्रोथ डेवलपमेंट मेटाबॉलिज्म एंड होम्योस्टेसिस। तो पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस के जो हॉर्मोन्स हैं वो हमारे शरीर की वृद्धि विकास जो चयापचय की जो क्रिया हैं सेलुलर जो प्रोसेस है मेटाबॉलिज्म जिसमें एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म और होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस का मतलब होता है हमारा जो बॉडी है इसके अंदर जैसे पीएच को मेंटेन करना, बॉडी का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन करना, मिनरल्स हैं विटामिन्स हैं इन सभी का जो बैलेंस रखना, ठीक है, उसको होम्योस्टेसिस कहते हैं। तो शरीर का होम्योस्टेसिस जो है वो मेंटेन रखना वो काम होता है ये हॉर्मोन्स का पिट्यूटरी के और हाइपोथैलेमस के। आगे बढ़ते हैं, तीसरा जो पॉइंट है उस पे आते हैं। तो ये दूसरा पॉइंट था। अब देखिए देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड का जो आकार है इज अ पी शेप, जो मटर का जो दाना होता है वटाना जो बोलते हैं तो मटर के दाने जैसा उसका कद होता है और उसका कद अगर देखें तो 1 से 1.5 सेंटीमीटर या तो आधा इंच 0.5 इंच जितना उसका व्यास यानी कि डायमीटर होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पे होती है? Lies in the hypophyseal fossa of cella tertiaca of the sphenoid bone, ठीक है। तो वो इसकी जो पोजीशन है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे ये जो फिगर है इसमें आप देखिए कि ये मटर के दाने जैसा पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ पे दिख रहा है हमको। तो ये है पिट्यूटरी ग्लैंड और इसी को यहाँ पे दिखाया है, पूरा फिगर जो है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देख लीजिए आप, इस तरह से पूरा फिगर है और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो है ये जो बोन है स्फिनोइड बोन, ठीक है। स्फिनोइड बोन में देखिए ये हम बात कर रहे थे हाइपोफिशियल फोजा और हाइपोफिशियल फोजा जो है उसमें जो सेल्ला, ये जो नाम लिखा है सेल्ला टर्शिका, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये जो विस्तार है स्पिनर्ड बोन में ये जो विस्तार है ये वाला, इसी को हम सेल्ला टर्शिका के नाम से जानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 3 नाम हम याद रख रहे हैं, एक तो स्पिनर्ड बोन, हाइपोफिशियल फोजा, ठीक है, और तीसरा जो नाम है वो है सेल्ला टर्शिका जिसमें ये पिट्यूटरी ग्लैंड लोकेटेड है, सिचुएटेड है, ठीक है। अच्छा, अब पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड जो है अटैचेस टू दी हाइपोथैलेमस बाय अ स्टॉक। पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस के साथ किसके द्वारा जुड़ती है? तो एक स्टॉक के मार्फत, एक स्टॉक के द्वारा जुड़ती है और ये जो स्टॉक है इसको इनफंडिबुलम, जिसका मतलब होता है फनल, उसका जो शेप है वो फनल जैसा होता है, तो ये इनफंडिबुलम से पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो हाइपोथैलेमस से जुड़ती है।
तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो विस्तार है यहाँ पे, ये हाइपोथैलेमस लिखा है, आप देख सकते हैं ये हाइपोथैलेमस है। नीचे आप देख सकते हैं ये वाली जो है ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, और इनके बीच में यहाँ पे आप देखेंगे, ये देखिए ये इनफंडिबुलम नाम लिखा है। तो मैं जूम कर देता हूँ आपको, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इनफंडिबुलम ये आपको दिखाया है। तो ये स्टॉक है, तो ये हो गई है हमारी पिट्यूटरी और ये है हाइपोथैलेमस। इन दोनों के बीच में जो स्टॉक है इनफंडिबुलम। तो ये जो था ये थर्ड पॉइंट था। आगे बढ़ते हैं, चौथा जो पॉइंट है उस पे आते हैं। यहाँ पे भी आप देख लीजिए ये जो है फिगर, इससे भी आपको काफ़ी कुछ आइडिया आ जाएगा। हाइपोथैलेमस आप देखिए, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो आप देखिए, ठीक है। फिर वो देखिए सेल्ला है ना, टर्शिया, टर्शिका ऑफ स्पिनोइड बोन। तो इसी से भी आपको पता चल जाएगा कि उसका लोकेशन जो है वो कहाँ पे है। यहाँ पे भी आपको दिखाया है, देखिए फिगर में नीचे लिखा हुआ है स्ट्रक्चर ऑफ दी हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड। हाइपोथैलेमस दिखाया है, इनफंडिबुलम, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो दिखाई है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, चौथा जो पॉइंट है उसके बारे में हम बात करते हैं। अब पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, पिट्यूटरी ग्लैंड को दो विस्तार में हम विभाजित कर देंगे, है ना। तो उसका जो डिवीज़न है पिट्यूटरी ग्लैंड का, तो देखिए एनाटॉमिकली एंड फंक्शनली टू सेपरेट पोर्शन होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के। एक वाला, एक जो पोर्शन है उसको एंटीरियर पिट्यूटरी, और पिट्यूटरी का दूसरा जो पोर्शन है उसको पोस्टीरियर पिट्यूटरी कहते हैं। अच्छा, अब दी एंटीरियर पिट्यूटरी यानी कि एंटीरियर लोब, ऑल्सो कॉल्ड दी एडेनो हाइपो आइसिस, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि लिखा है किस तरह से उसको बोलना है, देखिए एडी एड इनो हाइप पॉफ आइसिस। एडी थोड़ा मुश्किल है लेकिन ठीक है, हम इसी से काम चला लेंगे, है ना, अंटर पिट्यूटरी से। उसका दूसरा नाम लेकिन हमको पता होना चाहिए कि दूसरा नाम जो है वो है एंटीरियर, एंटीरियर पिट्यूटरी का दूसरा नाम जो है वो एडेनो हाइपोफाइसिस। एडेनो का मतलब होता है, एडेनो का मतलब होता है ग्लैंड, और हाइपोफाइसिस का मतलब होता है अंडर ग्रोथ। अच्छा, और ये जो एंटीरियर लोब है पिट्यूटरी का, जिसे हम एंटीरियर पिट्यूटरी कह रहे हैं, अकाउंट्स फॉर अबाउट 75% ऑफ द टोटल वेट। कहने का मतलब पूरी जो पिट्यूटरी है उसका जो वेट है जो 100% है, तो इसमें से जो 75% जो वजन है पिट्यूटरी का वो किसकी वजह से है, तो वो है एंटीरियर पिट्यूटरी की वजह से। और ये एंटीरियर पिट्यूटरी जो है वो किसकी बनी होती है, तो वो बनी होती है एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं चौथा पॉइंट। तो देखिए यहाँ पे जो लिखा है, आप देखिए ये वाला जो है ब्राउन कलर में, जो भी ब्राउन, ये फिगर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ इसमें आप देखेंगे, देखिए ये जो है एंटीरियर लोब लिखा है पिट्यूटरी का, एंटीरियर लोब जो थोड़ा रेडिश ब्राउन कलर में हमको दिखाया गया है। और यहाँ पे आप देखेंगे एडेनो हाइपोफाइसिस, ठीक है, ये बात है। पूरा जहाँ पे भी आपको रेडिश ब्राउन कलर दिख रहा है वो एंटीरियर पिट्यूटरी है, ठीक है, इस फिगर में। चलिए अब देखिए,
जो एंटीरियर पिट्यूटरी है उसमें भी दो पार्ट हैं, ठीक है, पुख्त व्यक्ति में। एक होता है पास डिस्टालिस इज द लार्ज पोर्शन, ठीक है। तो देख लेते हैं फिगर में, ये देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो ये नाम लिखा हुआ है पास डिस्टालिस, ये वो वाला जो पार्ट है पूरा बड़ा वाला जो पार्ट है, ठीक है, वो पास डिस्टालिस एंटीरियर पिट्यूटरी में। और दूसरा जो होता है, दूसरा जो है वो पास टूब्राल, ऐसे पढ़ना है उसको, पास टूब्राल इस, पास टूब्राल इस। और दूसरा जो पार्ट है एंटीरियर पिट्यूटरी का वो क्या करता है, फॉर्म्स अ शीथ अराउंड दी इनफंडिबुलम। तो हम देख लेते हैं, देखिए आप यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो है ये इनफंडिबुलम है पीले कलर में, ठीक है, हल्का पीला जो कलर है उसमें इनफंडिबुलम बताया है। और यहाँ पे आप देखेंगे पास ट्यूब्रालिस, अच्छा पास ट्यूब्रालिस कहाँ पे है ध्यान से अगर देखना आप, यहाँ पे भी आपको दिखेगा ये वाला और यहाँ पे भी, तो आपको समझना है कि वो उसको लपेट के है ना, सीट का मतलब क्या है, उसको लपेटे हुए है, पास ट्यूब्रालिस जो है इसको लपेटे हैं, ठीक है। और ये हमको क्रॉस सेक्शन में दिखाया है, तो यहाँ पे भी है ही वो इसके ऊपर भी, लेकिन खोल के हमको दिखाया है ना उस तरह से, तो पास ट्यूब्रालिस। तो हम बस इतना याद रखें जो एंटीरियर लोब है पिट्यूटरी का उसके दो रीजन हैं, दो विस्तार हैं, बड़ा वाला जो है उसको पास डिस्टालिस कहते हैं और छोटा वाला जो है जो स्टॉक के इर्द गिर्द है उसको पास ट्यूब्रालिस कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा अब छः नंबर के पॉइंट में हम पिट्यूटरी पोस्टीरियर पिट्यूटरी है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, पोस्टीरियर लोब जिसे कहते हैं। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है इसका दूसरा नाम जो है वो न्यूरो हाइपो आइसिस, ठीक है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी का दूसरा नाम उसको न्यूरो हाइपोप्साइसिस के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पे न्यूरो जो है, न्यूरो का मतलब होता है नर्व, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है वो किसकी बनी हुई है, तो कंपोज ऑफ न्यूरल टिश्यू। तो यहाँ पे आप देखिए ये जो है ये पोस्टीरियर लोब, ठीक है, और इसका देखिए यहाँ पे न्यूरोपाइसिस, पोस्टीरियर पिट्यूटरी पोस्टीरियर लोब, ठीक है। अब इसमें पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है इसमें भी दो पार्ट हैं, कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, एक जो होता है उसको कहते हैं पास नर्वोजा दी लार्जर बल्बर पोर्शन, पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है इसमें भी दो पार्ट है, पास नर्वोजा जो बड़ा होता है और उभरा हुआ, बल्बर का मतलब उभरा हुआ विस्तार है, और दूसरा जो पार्ट है पोस्टीरियर पिट्यूटरी में वो है, वो होता है इनफंडिबुलम, ठीक है। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी के दो विस्तार हैं, एक होता है पास नर्वोजा जो बड़ा विस्तार है उभरा हुआ है, ठीक है, और दूसरा जो है वो है इनफंडिबुलम। तो आप देख लीजिए अच्छे से पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है यहाँ पे आपको ये वाली जो है ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी हमको दिखाई है, ठीक है। अच्छा अब पिट्यूटरी ग्लैंड जो है इसका जो तीसरा जो विस्तार है, थर्ड रीजन, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड का जो तीसरा जो विस्तार है इसको पास इंटरमीडिया कहते हैं, ठीक है। पहले देख लेते हैं तीसरा जो विस्तार है वो कहाँ पे है, तो ये देखेंगे आप फिगर में यहाँ पे नाम लिखा है, और ये एरो जो है वो आप देखिए, मैं एकदम जूम कर देता हूँ आपको, तो देखिए ये जो है, ठीक है, ये वाला जो है ये, तो ये होता है पास इंटरमीडिया। तो पास इंटरमीडिया जो है एट्रोफीज
ड्यूरिंग ह्यूमन फीटल डेवलपमेंट, यानी बच्चे का जो गर्भ विकास हो रहा होता है तभी एट्रोफीज का मतलब उसका डीजनरेशन जो है वो हो जाता है, ठीक है, उसका कद जो है घट के बहुत मामूली सा उसका कद रह जाता है। और फिर ये जो है पास इंटरमीडिया सीज टू एग्जिस्ट एज अ सेपरेट लोब इन एडल्ट, और पुख्त व्यक्तियों में वो सेपरेट लोब की तरह उसका अस्तित्व नहीं रहता, ठीक है, उसका सीज यानी रुक जाना, उसका जो ग्रोथ है पुख्त व्यक्ति में रुक जाता है। और वो छोटा सा, बहुत ही छोटा सा कब दिख रहा था, वो फीटल डेवलपमेंट के दौरान दिख रहा था, है कि नहीं। तो तीसरा जो विस्तार है उसको पास इंटरमीडिया, और पुख्त व्यक्ति में एक ये स्वतंत्र विस्तार के तौर पे इसका जो विकास है वो रुक जाता है, ठीक है। चलिए अच्छा, और इसके जो सेल हैं, देखिए पास इंटरमीडिया जो पोर्शन हमने देखा, हाउएवर सम ऑफ इट्स सेल माइग्रेट इनटू एडजेसेंट पार्ट ऑफ द एंटीरियर पिट्यूटरी। तो इसके पास इंटरमीडिया के जो सेल हैं वो कहाँ पे माइग्रेट हो जाते हैं, कहाँ पे चले जाते हैं, तो एडजेसेंट यानी पास में ही क्या है, एंटीरियर पिट्यूटरी है, तो वहाँ पे उसके साथ ये चले जाते हैं, वेयर दे परसिस्ट, और वहीं पे ये रहते हैं, वहीं पे ये पाए जाते हैं। तो ये जो था ये 6 नंबर का पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं, 7 नंबर का जो पॉइंट है उस पे आते हैं। अब देखिए चलिए, अब यहाँ पे जो 7 नंबर में आप देखेंगे, हाइपोथैलेमिक कंट्रोल ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस जो है वो पिट्यूटरी का किस तरह से कंट्रोल करता है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। देखिए, रिलीज ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन इज रेगुलेटेड बाय हाइपोथैलेमस। तो ऐसा नहीं है कि पिट्यूटरी जो ग्लैंड है आगे वाली एंटीरियर, वो अपने आप ही अपने हार्मोन रिलीज कर देती है, ठीक है। उसका जो रिलीज होना हार्मोन्स का, वो किसके नियंत्रण के हेठर होता है, तो वो हाइपोथैलेमस के नियंत्रण के तहत एंटीरियर पिट्यूटरी जो है अपने हार्मोन रिलीज करती है, ठीक है। अच्छा, हाइपोथैलेमस जो है सीक्रेट 5 रिलीजिंग हार्मोन, हाइपोथैलेमस 5 रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेट करता है, और ये 5 जो रिलीजिंग हार्मोन है स्टिम्युलेट सीक्रेशन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन। हाइपोथैलेमस के जो रिलीजिंग हार्मोन है वो क्या करते हैं, उसकी वजह से एंटीरियर पिट्यूटरी जो है वो अपने हार्मोन को रिलीज करती है, अपने हार्मोन को सीक्रेट करती है। अच्छा, तो हाइपोथैलेमस जो है इसमें से जो हार्मोन रिलीज होते हैं वो कौन कौन से हैं, इसके बारे में बात करते हैं। तो आपको इन सभी के नाम अच्छे से याद करने हैं, हाइपोथैलेमस में से जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं, रिलीज होते हैं वो। तो एक जो है पहला वाला ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, जिसको शॉर्ट में हम कहेंगे GHRH, हाइपोथैलेमस में से पहला वाला जो हार्मोन है GHRH, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। इसका दूसरा नाम है, इसको सोमेटोक्राइनिन के नाम से भी जाना जाता है, और ये जो सोमेटोक्राइनिन जो है वो क्या करता है, या तो GHRH जो है वो क्या करता है, स्टिम्युलेट द सीक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे फिगर में, आप देखिए कि ये जो है पूरा, आपको यहाँ पे आप देखेंगे कि हाइपोथैलेमस दिखाया है, ठीक है, ये देखिए आप हाइपोथैलेमस दिखाया है, और इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाला जो है, ये वाला हाइपोथैलेमस में से देखिए पर्पल कलर में जो एरो है इसको आप फॉलो करिए, ये वाले एरो को, और वो देखिए वो जो तीर का निशान है वो कहाँ जा रहा है, तो
तो GHRH जो है, ये जो है पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी लोब है, ठीक है, इसके ऊपर किसकी असर हो रही है, तो GHRH जो है एंटीरियर पिट्यूटरी पे असर कर रहा है। तो अब आप देखेंगे कि देखिए एंटीरियर पिट्यूटरी जो है, एंटीरियर पिट्यूटरी क्या रिलीज करती है, ठीक है ना, हाइपोथैलेमस में से GHRH प्रोड्यूस हुआ, तो और GHRH ने एंटीरियर पिट्यूटरी पे अपनी असर करी, तो उसकी वजह से एंटीरियर पिट्यूटरी जो है वो GH को, ग्रोथ हार्मोन को रिलीज़ करती है। ये है एक पॉइंट, पॉइंट नंबर वन, ठीक है। अब दूसरा देखिए, हाइपोथैलेमस में से दूसरा जो हार्मोन रिलीज होता है, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन TRH। ये जो TRH जो है वो क्या करता है, स्टिम्युलेट सिक्रेशन ऑफ थायरॉयड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। तो देख लेते हैं फिगर में, ये देखिए आप देख रहे हैं आप, हाइपोथैलेमस, ये जो है हाइपोथैलेमस, उसमें से TRH, ठीक है, TRH का नाम भी आपको याद रखना है, थायरॉयड रिलीजिंग हार्मोन। TRH किसके ऊपर असर कर रहा है, तो ये जो है पीले वाला, इसके ऊपर आप देखिए, देखिए, ठीक है, तो TRH जो है इसके वजह से क्या हो रहा है, देखिए TRH जो है उसकी असर कहाँ पे हुई, एंटीरियर पिट्यूटरी, तो उसकी वजह से एंटीरियर पिट्यूटरी क्या रिलीज करती है, थायरॉयड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, ठीक है। चलिए फिर तीसरा, हाइपोथैलेमस में से कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन CRH रिलीज होता है, और ये जो CRH है वो क्या करता है, स्टिम्युलेट सिक्रेशन ऑफ एड्रिनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। तो CRH देख लेते हैं, तो ये देखिए ब्लू कलर में आप देख रहे हैं CRH, तो CRH की असर से ये देखिए, ये जो है, ठीक है, यहाँ पे देखिए ACTH, तो एंटीरियर पिट्यूटरी ने क्या रिलीज़ किया, ACTH, ठीक है, CRH की असर से एंटीरियर पिट्यूटरी जो है वो ACTH जो है उसको सिक्रेट करती है, एडिनोकोर्टिको टॉपिक हार्मोन को। फिर चौथा जो पॉइंट है, हाइपोथैलेमस में से PRH यानी कि प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होता है, और ये PRH जो है वो क्या करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिम्युलेट करता है प्रोलैक्टिन के सिक्रेशन के लिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे PRH जो है वो नहीं लिखा है, तो हम लिख सकते हैं PR और H हाइपोथैलेमस में से, ठीक है, और उसकी असर से आप देखेंगे कि एंटीरियर पिट्यूटरी जो है वो प्रोलैक्टिन का सीक्रेशन करती है। फिर हाइपोथैलेमस जो है उसमें से क्या, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH रिलीज होते हैं, और ये GnRH जो है वो क्या करते हैं, स्टिम्युलेट सिक्रेशन ऑफ FSH एंड LH। GnRH की वजह से क्या होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी जो है वो FSH और LH को सिक्रेट करती हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, ये जो है ये हाइपोथैलेमस में से GnRH का सिक्रेशन, अच्छा, और ये GnRH किसको अफेक्ट कर रहा है, तो वो एंटीरियर पिट्यूटरी, और एंटीरियर पिट्यूटरी जो है उसमें से क्या रिलीज हुआ, FSH LH, और FSH LH किसके ऊपर असर कर रहे हैं, तो टेस्टिस और ओवरी के ऊपर, ठीक है। अच्छा, अब इसके अलावा देखिए, इसके अलावा हाइपोथैलेमस जो है, अभी हमने देखा कि हाइपोथैलेमस जो है उसकी असर से एंटीरियर पिट्यूटरी जो है वो अपने हार्मोन जो है वो सीक्रेट कर रही है, रिलीज कर रही है। अच्छा, अब हाइपोथैलेमस जो है वो आल्सो प्रोड्यूसेस टू इनहिबिटिंग हार्मोन।
इनहिबिटिंग का मतलब होता है अवरोध करना, रोकना, रोकने वाले, है ना। तो और ये इनहिबिटिंग जो हार्मोन है हाइपोथैलेमस में से जो रिलीज होते हैं, सीक्रेट होते हैं, वो क्या करते हैं, सप्रेस सीक्रेशन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन। तो हाइपोथैलेमस के जो हार्मोन है, तो ये जो इनहिबिटिंग हार्मोन है उनकी असर से क्या होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी जो है अपने हार्मोन का सीक्रेशन जो है वो कम कर देती है या तो उसको रोकती है। चलिए कौन से हैं ऐसे हार्मोन, तो देखिए हाइपोथैलेमस में से ही क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन, ठीक है। ग्रोथ का मतलब होता है वृद्धि, हार्मोन का मतलब होता है अंतःस्राव, इनहिबिटिंग का मतलब होता है ना अवरोधक, रोकने वाला, रुकावट, और GH IH, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस में से GH IH, इसका दूसरा नाम क्या है, तो GH IH जो है ग्रोथ हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन, इसको सोमेटोस्टेटिन के नाम से भी जाना जाता है। और ये क्या करता है, सप्रेस सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। तो हाइपोथैलेमस जब GH IH जो है वो रिलीज करेगी तो फिर क्या होगा, एंटीरियर पिट्यूटरी जो है वो GH का सिक्रेशन नहीं करेगी, ठीक है, उसमें कमी लाएगी। अच्छा, फिर दूसरा जो है हाइपोथैलेमस में से प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन PIH, ये शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म याद रख रहे हैं PIH, हाइपोथैलेमस में से PIH रिलीज होता है। वो क्या करता है, ये PIH जो है वो क्या है, PIH इज डोपामाइन, ठीक है। और ये डोपामाइन क्या करता है, सप्रेस सिक्रेशन ऑफ प्रोलैक्टिन। तो पिट्यूटरी जो ग्लैंड है उसमें से प्रोलैक्टिन का जो सिक्रेशन है वो रोकता है, ठीक है कि नहीं। प्रोलैक्टिन आप देख रहे हैं मेमरी ग्लैंड और मिल्क सिक्रेशन के साथ इन्वॉल्व है, लेकिन अगर हाइपोथैलेमस में से आप देख रहे हैं कि प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन PIH, या तो जिसे डोपामाइन कहते हैं, तो वो क्या करता है, तो वो एंटीरियर पिट्यूटरी पे इफेक्ट करेगा। तो एंटीरियर पिट्यूटरी जो है वो PRL प्रोलैक्टिन का सिक्रेशन नहीं करेगी, तो इस परिस्थिति में मेमरी ग्लैंड जो है मिल्क का सिक्रेशन, दूध का जो स्त्राव है बच्चे के लिए वो नहीं करेंगी, ठीक है। तो ये पूरा जो फिगर है मैं आपको दिखा देता हूँ, ये सारे जो पॉइंट हैं ये भी आप देख लीजिए 7 नंबर में और 8 नंबर में, और पूरा जो फिगर है इस तरह से, हाइपोथैलेमस में से कौन से हार्मोन और वो एंटीरियर पिट्यूटरी में से कौन से हार्मोन, और एंटीरियर पिट्यूटरी में से जो हार्मोन रिलीज होते हैं वो कौन से ऑर्गन को टारगेट कर रहे हैं वो भी आप देख सकते हैं। और यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है, ठीक है। दूसरा भी एक फिगर है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाला जो है ये फिगर भी आप अच्छे से देख लीजिए, ये भी एक अच्छा फिगर है, ठीक है। तो इसी के साथ में ये जो प्रेजेंटेशन लेक्चर है हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में, अब ये यहाँ पे समाप्त होता है। मैं आशा करता हूँ कि ये जो प्रेजेंटेशन लेक्चर है इससे आप जो है आपकी परीक्षा की तैयारी और आपका जो अभ्यास है वो अच्छे से कर पाएंगे। मेरा नाम मनीष कोष्टी सर है, मैं अहमदाबाद से हूँ। बाय बाय, नमस्ते।